सब्सक्राइब कीजिए फिल्मी बीट, दबाए बेल आइकन और पाएं एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरें सबसे पहले। मैं शिवकांत गौतम, आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है फिल्मी बीट। बिग बॉस के घर से पहले ही हफ्ते में बेघर हुए जुबैर खान ने सलमान खान पर बहुत सारे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वो दाऊद इब्राहिम के फोन से डर गए। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि सलमान खान के अंडरवर्ल्ड से रिश्ते हैं, वो उनसे डरते हैं। मैं अंडरवर्ल्ड से नहीं डरता। इसके साथ साथ उन्होंने सलमान खान को नशे में है ये भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सलमान खान ड्रग्स में थे जब उन्होंने मुझे निकाला। और इसके साथ साथ जुबैर खान ने हद तब पार कर दी जब उन्होंने बिग बॉस के साथ अपने करार को भी रिवील कर दिया। हालांकि वो सच है या झूठ इसका किसी को नहीं पता। बिग बॉस से निकाले गए जुबैर खान ने कई जगह पर इंटरव्यू दिए। फेसबुक पर वो खुद लाइव आए और बताया कि सलमान खान ने उनके साथ क्या क्या किया। हालांकि बिग बॉस की तरफ से अभी ऐसा कोई बयान नहीं आया है, लेकिन अब जुबैर खान ने एक और बड़बोला बोल बोला है। जुबैर खान ने कहा है कि अगर सलमान खान उनसे माफी मांगे, उनके सामने गिड़गिड़ाएं, तो वो बिग बॉस में दोबारा आने को तैयार हैं। जी हां, जुबैर खान ने कहा है कि सलमान खान ने उनकी बेइज्जती की है, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है। अगर सलमान खान उनसे माफी मांगे और हाथ जोड़कर कहें कि आप वापस आ जाएं, तो वो बिग बॉस में वापस आने को तैयार हैं। वहां सलमान खान भी ये सोच रहे होंगे कि पिछले सीजन में स्वामी ओम ने उनके ऐसी धज्जियां उड़ाने की कोशिश की थी, अब एक और स्वामी ओम जुबैर खान उनके लिए तैयार हो गया है। जुबैर खान ने सलमान खान के खिलाफ धमकी और थ्रेटन करने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी, जिसके खिलाफ खबरी टीम, जो कि सलमान खान के इस शो की खबरें देते हैं, उन्होंने जुबैर खान के खिलाफ शिकायत उल्टा दर्ज करवाई थी कि उन्होंने सलमान खान की बेइज्जती की है। और इस शिकायतों के बीच अब जुबैर खान ने कह दिया कि सलमान खान माफी मांगे तो वो बिग बॉस में आ सकते हैं। जुबैर खान वापिस आएंगे या नहीं, ये तो हम सबको पता है, लेकिन जिस तरीके की बातें चल रही हैं वो वाकई में ही हंसाती जरूर है। फिल्मी बीट में फिलहाल इतना ही।